इस वीडियो में हम बात करेंगे 1997 की फिल्म लिटिल बर्ड के बारे में, जो कहानी है मैनुएल नाम के एक लड़के की, जिसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा। 10 साल का मैनुएल 3 हफ्तों के लिए मड्रिड से निकलकर स्पेन के दूसरे शहर में आया, जहां वो अपने चाचा हुआन के घर रहने वाला था। मगर स्टेशन पर उसे बहुत देर तक उनका इंतजार करना पड़ा। मैनुएल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने माता पिता से दूर आकर वो निराश था, पर उसका अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। मैनुएल जब हुआन के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके 3 चाचा हैं जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर 3 हफ्तों के लिए उसे अलग अलग घरों में रहना होगा। पहला हफ्ता मैनुएल हुआन के घर बिताने वाला है। हुआन अगले ही दिन मैनुएल को अपनी दुकान में ले गया, जहां सिर्फ औरतें काम करती हैं, और वो अपने चाचा को उन औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता रहा। मैनुएल उससे काम सीख रहा था और तब वहां हुआन की बेटी फुनसांता आई, जिसे देखते ही मैनुएल उसे पसंद करने लगा। मैनुएल हुआन और फुनसांता के साथ वक्त बिताकर खुश था, और एक दिन हुआन उन दोनों को शहर से दूर ले गया, जहां शांति के माहौल में वो उन्हें पेंटिंग करना सिखाने लगा। हुआन ने मैनुएल को कुदरत की खूबसूरती दिखाई और उस खूबसूरती को वो तीनों तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया, जिसे देखकर दोनों बच्चे डर गए। वो अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता है, और हुआन के कहने पर मैनुएल ने उसे खाने के लिए एक फल दिया। फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई और वो कहने लगा कि वो गायब होकर दिखा सकता है। ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतें करके वो वहाँ से चला गया। जिस वक्त फुनसांता अपनी माँ से डांस सीख रही थी, उस वक्त हुआन मैनुएल को कला के बारे में समझा रहा था। हुआन की वजह से मैनुएल ने कलाकारों के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू किया, पर इस बीच उसका ज्यादा ध्यान फुनसांता पर था। मैनुएल धीरे धीरे फुनसांता को और ज्यादा पसंद करने लगा, और ये बात फुनसांता भी समझने लगी थी क्योंकि वो भी मैनुएल को पसंद करती थी, इसलिए वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगे। फुनसांता समझ गई कि मैनुएल खुश नहीं है और हर वक्त अपने माता पिता के अलग होने की वजह से निराश रहता है, इसीलिए उसे बेहतर महसूस कराकर फुनसांता ने कहा कि वो उससे कभी अलग नहीं होगी। उस दिन मैनुएल को उसने एक राज बताया, जिसे जानकर वो हैरान हो गया। फुनसांता ने बताया कि उनके चाचा फर्नांडो असल में गे है और ये बात कोई नहीं जानता। हुआन के घर रहने के बाद अगले हफ्ते मैनुएल फर्नांडो के साथ रहने लगा और उसकी बेकरी का काम समझने लगा। हुआन की तरह फर्नांडो भी एक कलाकार है और चेलो बजाया करता है। उसे चेलो बजाते देख मैनुएल को म्यूजिक का जादू समझ आने लगा। फर्नांडो ने बताया कि एक जीनियस बनने के लिए हर रोज सालों तक घंटों की मेहनत करनी होती है, और अगर एक भी दिन मेहनत में कोई कमी रह गई तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देता है। फर्नांडो का अफेयर उसी के असिस्टेंट टोनी के साथ चल रहा था, और ये बात मैनुएल जानता था। फर्नांडो की पत्नी बियट्रिस इस बात से नाराज थी कि उसका पति काम पर ध्यान नहीं देता, मगर फर्नांडो का कहना था कि ये काम उसे खुशी नहीं देता, सिर्फ चेलो उसे खुशी देता है। एक दिन टोनी ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसे फर्नांडो को छोड़ना होगा, और उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मैनुएल और फुनसांता सुन रहे थे। टोनी के जाने से फर्नांडो का दिल टूट गया और उसने अपनी जान देने की कोशिश भी की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उस शाम जब मैनुएल बियट्रिस के कमरे में गया तो वो उससे पूछने लगी कि उसे बियट्रिस खूबसूरत लगती है या नहीं। वो मैनुएल से अजीबोगरीब बातें करने लगी, और तब मैनुएल ने फर्नांडो और टोनी के बारे में उसे बता दिया। इस अफेयर के बारे में जानकर बियट्रिस ने मैनुएल से इस बात को राज रखने का वादा करने के लिए कह दिया, और फर्नांडो से नाराज होने की बजाय बियट्रिस उसे संभालने लगी, जिसके बाद वो उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करने लगी। मैनुएल एक नई दुनिया देख रहा था, और इस दुनिया में उसे फुनसांता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्होंने दो अनजान लोगों को छत पर देखा। तब फुनसांता ने बताया कि वो अमिलियो की बेटी लॉली और उसका बॉयफ्रेंड है, जो ड्रग्स लेकर वहाँ से भागा है। फुनसांता को तब कुछ नजर आया और वो कहने लगी कि उनके घर में कुछ बुरा हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि फर्नांडो की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, मगर सबसे ज्यादा परेशान बियट्रिस थी, जिसने बताया कि अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हुआन और उसके बड़े भाई एमिलियो ने फर्नांडो को जमीन पर बेहोश देखा और उन्हें समझ आया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। सही वक्त पर एमिलियो उसे बचाने में कामयाब हुआ, और उस दिन के बाद मैनुएल एमिलियो के घर में रहने लगा। एमिलियो की बहन मार्गरीटा मैनुएल को पढ़ाने लगी, पर मैनुएल उसे और एमिलियो की पत्नी लोला को परेशान करता रहा।
एक दिन मानुएल के पिता एंटोनियो का कॉल आया और मानुएल को पता चला कि वो अब इटली में रहते हैं। मानुएल ने अपने पिता को बताया कि मार्गरीटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसीलिए वो परेशान होने लगा है और घर वापस आना चाहता है। मानुएल ने फुनसांता को बताया कि जल्द ही उसके पिता उसे लेने आने वाले हैं और ये सुनकर वो निराश हो गई। मानुएल और फुनसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर वो जानते थे कि दो कजिन्स ऐसा कर नहीं सकते। अमीलियो के घर में एक कमरा था जहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, मगर मानुएल उस कमरे में चला गया और उसे पता चला कि वो कमरा असल में अमीलियो का क्लिनिक है। अमीलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मानुएल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमीलियो एक आंखों का डॉक्टर था और वो मानुएल को आंखों में छुपी खूबसूरती दिखाने लगा। कुछ वक्त बाद मार्गरीटा उन पर फिर से नजर रखने लगी। वो उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था। वो अमीलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मानुएल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं और वो मानुएल को एंटोनियो ही समझते हैं। मार्गरीटा का कहना था कि वो उन्हें अब और नहीं संभाल सकती क्योंकि वो दिन भर मौत की बातें करते हैं। अमीलियो जानता था कि उसके पिता मानुएल से बात करके बेहतर महसूस करेंगे, इसलिए उसने मानुएल को अपने पिता के पास भेज दिया। मानुएल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसलिए उन्हें दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनसांता के अलावा किसी को भी मानुएल के दादा की बातें समझ नहीं आती थी, पर फिर वो कहने लगे कि इस घर में कई सारे राज हैं और वो सारे राज इस परिवार को शर्मिंदा करते हैं। वो खुद का राज भी बताने वाले थे, पर वो बताते हुए ही अपनी बात भूल गए। जब उन्हें अपनी बात याद आई तो उन्होंने बताया कि वो वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने एक मासूम आदमी को बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के बेसमेंट में दफना दिया। ये राज बताने के बाद वो कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां वो सुकून की सांसें ले पाए, और यही कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मानुएल लॉली के साथ वक्त बिताने लगा और वो ये सोचने लगा कि लॉली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर पेंट क्यों कर रही है। जब मानुएल ने उससे उसके बॉयफ्रेंड और ड्रग्स के बारे में पूछा तो वो नाराज हो गई और अपने बॉयफ्रेंड और ड्रग्स की बात को राज रखने के लिए समझाकर वहाँ से चली गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से ही ये जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड ड्रग्स लेता है। इस बीच मानुएल मार्गरीटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगा और मार्गरीटा से पूछने पर वो सबको बताने लगी कि वो भगवान से बातें करती है। अमीलियो उसकी बातें सुनकर नाराज होने लगा और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करने लगा, मगर मानुएल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमीलियो ने लॉली से कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, पर जब उसने अमीलियो से बहस करना शुरू किया तो अमीलियो अपना आपा खो बैठा। अमीलियो को इस तरह देखकर मानुएल बुरी तरह डर गया, पर लॉली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार अपना आपा खो बैठते हैं। मानुएल इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, और अचानक अमीलियो के पिता उन्हें अकेलेपन के बारे में कविता सुनाने लगे। वो कविता उन्होंने मानुएल के पिता एंटोनियो के लिए लिखी थी, और कविता सुनाने के बाद देर रात वो घर से कहीं दूर चले गए। पूरा परिवार उनके गायब होने से परेशान हो गया, और तब मानुएल ने बताया कि फुनसांता जानती होगी कि वो कहाँ है। सुबह होते ही अमीलियो मानुएल और फुनसांता के साथ अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा, और पूरे शहर में उन्हें ढूंढने के बाद आखिरकार वो उन्हें एक पार्क में मिले। अमीलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर्स की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे और अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए उस पार्क में आके बैठ गए। फुनसांता ने कहा कि वो जानती थी उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसलिए वो समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिल जाएंगे। उस वक्त मानुएल के दादा ने कहा कि वो समंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वो सुकून की सांसें वही ले पाएंगे। वो अचानक मौत की बातें फिर से करने लगे, मगर अमीलियो ने कहा कि जब तक वो जिंदा है अपने पिता को मरने नहीं देगा। अमीलियो ने वादा किया कि वो उन्हें समंदर के पास ले जाएगा, और ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए। घर जाते हुए अमीलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे, और यही कहानियाँ सुनते सुनते वो सब घर लौट गए। उस दोपहर उनकी समंदर देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और मानुएल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया। पहली बार परिवार वाले खुश नजर आ रहे थे, और उन सबको इस तरह देखकर मानुएल के दादा को आखिरकार सुकून मिल गया। सालों से सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हुई, और ये आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर मानुएल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मानुएल भी अपने दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त फ्यूनरल पर मानुएल के माता पिता भी आ पहुंचे, और तब मानुएल को एहसास हुआ कि उसके माता पिता के आने से उसका और फुनसांता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है।
वो आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि फ्यूनरल के बाद मैनुएल अपने माता पिता के साथ मैड्रिड लौट गया, और अगर वो दोनों मैनुएल को लेने नहीं आते तो मैनुएल अपनी जिंदगी हमेशा के लिए फुनसांता के साथ बिता पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।